स्वागत है एक और वीडियो में। आज आप लोगों के बीच हम विधानसभा जायस पहुंचे और जायस में अभी हम एक गांव जा रहे थे और उस गांव को जाने का एक रास्ता मात्र पुल था। अब उस पुल के टूटे होने की वजह से लोगों को कितनी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लोगों को नहर में कूद के फिर गांव जाना पड़ता है। एक ऐसे अनोखी घटना को देखने के लिए, मतलब इस घटित रास्ता को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं बेरारा गांव, ये नहर है और देखिए अभी एग्जांपल अभी ये पुल है और बेरारा गांव जाने का। अब यहां पे लोगों को देखिए नहर के माध्यम से कैसे रोड पे जाना पड़ता है। ये बेरारा गांव का है। अब यहां पे कितना मतलब खतरनाक रास्ता चलना पड़ता है, ये देखिए कुछ इस तरह से। और जो पुल टूटा हुआ है ये देखिए, पूरा पुल भैया टूट चुका है। ये 20 फीट की डिस्टेंस का ये जो पुल है पूरा टूटा पड़ा है। अब सोच सकते हैं कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और यहाँ पे आए दिन घटना होती ही रहती है। अभी जिस भाई साहब को पता नहीं होगा, अगर सामने से तेज से आएंगे गलती से तो सीधा इसी में टूट के टूटे पुल में गिर जाएंगे। ये हालात हैं बेरारा गाँव और एरिया है जायस। तो अभी यहाँ के लोग निवासी लोगों से हम बात करेंगे और यहाँ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो एक बार आप लोग को सोचा मैं दिखा देता हूँ फ्रंट कैमरा से। अभी देखिए अगर पीछे से गांव से कोई अगर रात को तेजी से आ रहा है तो वो सीधा आके धड़ाम से गिरेगा इसी टूटे हुए पुल के खंडहर में। तो कितना मतलब कष्टदायक है गांव के लोगों, करीब हमें लगता है 1000-1200 लोग तो पीछे होंगे इस गांव में, जो भी 2-3 गांव हैं। अब उन लोग के आने का रास्ता मात्र यही है। अब यहां से 500 मीटर दूर एक और पुल है, अब पता नहीं प्रॉपर रास्ता है नहीं, यहां पे रोड उठती है। अब सोचिए इस क्षेत्र के जो माननीय साहब लोग हैं क्या कर रहे हैं, वो आप ही कमेंट करके बताइए, इस गांव के लोग बताएंगे। अभी यहाँ पूरा पुल टूटा पड़ा है ना पूरा, ये देखिए। तो ये बहुत डेंजर जोन है इस गांव के लिए, बेरारा गांव के लिए। अब बेरारा गांव के लोग कैसे इसको आर पार करते हैं सोचो। अभी तो पानी नहीं नहर में, नहर से गाड़ियाँ निकल जा रही हैं, लेकिन जब पानी भरा होगा तो कैसे करेंगे? क्या सरकार यहाँ ला के नाव चलवाएगी क्या, या क्रूज चलेंगे क्या इसको पार करने के लिए? आप ही बताइए, आप कमेंट कीजिए। फिलहाल कोशिश करते हैं कोई भी यहाँ पे आएगा तो उससे हम जानने की कोशिश करेंगे इसके बारे में, कब कैसे हुआ है ये। तो अपने क्षेत्र की समस्याओं को भी तो उठा सकते हैं। तो ये समस्या जैसे ये पुल टूट रहा है। अच्छा हाँ, ये सबसे बड़ी सिखाई दिखाना चाहते थे प्रदीप भाई के गाँव का ये शायद। तो ये आप आए तो हमको यहाँ मिलने आना पड़ा, नहीं तो अभी घर पे बैठ गए। हाँ अभी क्या सीन है कि भाई गाँव से आए उस पार थे, हम दूसरे साइड से इस पार। 20 फीट का ये पुल टूटा पड़ा है। अब हम लोगों की दूरी बड़ी हो गई, लेकिन भाई से आपको सोचो इस नहर में चल के आना पड़ा। पानी है नहीं, अब सोचो पानी होता तो भाई साहब हमें लगता है नाव मंगाना पड़ता गांव से या तो हमें लगता है यहाँ के माननीय साहब लोग जो भी हैं उनसे कहना पड़ता है।